हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशोर कुमार। तुम लोग देख रहे हैं के कॉप्स हिंदी। आज मैं डिस्कस करेगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन का बारे। आओ देखेंगा ये गाड़ी का स्पेसिफिकेशन और मेरा पर्सपेक्टिव और गुड रिव्यू एंड बैड रिव्यू इस गाड़ी का ऊपर। आओ देखेंगे इनका स्पेसिफिकेशन। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के पास स्टार्ट करेगा। आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप नेविगेशन सिस्टम, कॉम्पास, ब्लूटूथ, ये सभी है। मतलब यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। रॉयल एनफील्ड का नाइबर का बेटा एक्सपल्स 200 का पास है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। मतलब रॉयल एनफील्ड खुद का बेटा का पास नहीं है। हम लोग हिमालयन लेने के बाद ज़्यादा दूर चलने के लिए सोच रहे हैं। उस टाइम पे जीपीएस नेविगेशन चाहिए, फादर मोबाइल चाहिए, मोबाइल चार्जिंग चाहिए। एनीवे आउट ऑफ द शोरूम ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस है। ये गाड़ी छः कलर वेरिएंट पे आते हैं। रॉक रेड, लेक ब्लू, ग्रेवल ग्रे, पिनी ग्रीन, मिराज सिल्वर, ग्रेनाइट ब्लैक। मेरा फेवरेट मिराज सिल्वर है। मैं वो व्हीकल चल रहा है। हिमालयन इज हैविंग अ लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन विच गिव यू अ कॉन्फिडेंस टू ट्रैवल एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों जगह पे अच्छे से चलते हैं। 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन फोक इज हैविंग अ ट्रैवल पोटेंशियल ऑफ 200 mm विच विल हेल्प यू टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। मोनोक्रॉस विथ लिंकेज 180 mm रेयर व्हील सस्पेंशन भी अच्छे से काम करते हैं। ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है। तुम लोग आराम से निकल पाए डिफिकल्ट रोड पे, आइदर ऑफ रोड और ऑन रोड, विच एवर इट मे बी। दिस व्हीकल्स अपशिफ्ट साइलेंसर विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ डिफिकल्ट टेरेन विच कंसिस्ट विद वाटर। 411 cc लॉन्ग स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पे है। इक्विप्ड विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम एंड 5-स्पीड मेश गेयर बॉक्स, इसलिए ये गाड़ी पे गेयर शिफ्टिंग अच्छे से होते। मैक्स पावर 24.3 bhp एट 6500 rpm, मैक्स टॉर्क 32 Nm एट 4000 to 4500 rpm। ये गाड़ी का फ्रंट व्हील 21 इंच, रेयर व्हील 17 इंच। Even the 411 cc engine, this vehicle's full potential can be judged with the good brake. Front, it comes with 300 mm disc, 2-piston floating clipper. Rear, 240 mm disc, single piston floating clipper will give you better control on this vehicle. Even though good power and disc brake won't give a thrust like ABS, dual channel switchable to single channel ABS, rear wheel ABS deactivation will allow you to activate and deactivate whenever you need. Curb weight 199 kg, fuel capacity 15 liter, wheelbase 1465 mm, length 2190 mm, width 840 mm, height 1370 mm, seat height 800 mm. डीएल पर्पस सीएट टायर डाल दिए, इसीलिए 50% ऑन रोड, 50% ऑफ रोड पे भी जा सकते हैं। लुक एंड फील, दिस व्हीकल लुक्स प्रिटी बिग, बट दिस व्हीकल कैन बी यूज्ड बाय एवरेज इंडियन हाइट। आई लाइक दिस व्हीकल्स गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेशन एंड इनिशियल टॉर्क।
I would like to share few Himalayan Genuine users reviews with you. Due to very good initial torque, if you are climbing uphill and you want to climb it slowly, this vehicle will take you there without hassle. ये सभी इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन है, आओ देखेंगे इनका रिव्यू। अभी तक ये पुराना वाला स्पोक्स व्हील, ट्यूब टायर, सर्कल्ड रेयर व्यू मिरर, हॉलोजिन लाइट, सर्कल्ड क्लासिक हेडलाइट, कब ये लोग अपग्रेड करेगा? ये गाड़ी का पुराना वेरिएंट पे ज़्यादा फ्यूज़ रिले इशू आता था, अभी वो इशू सभी फिक्स हो गया नया गाड़ी पे। 110 किलोमीटर स्पीड का ऊपर जाने के समय पे ये गाड़ी स्लाइटली वाइब्रेशन शुरू करते हैं। तुम लोग 80 to 100 किलोमीटर का अंदर जाते हैं तो ये हिमालयन अच्छा है। हाफ एन आवर ड्राइव के बाद तुम लोग फील कर रहे हैं ये इंजन का हीट, ज़्यादा नहीं है, मतलब मैनेज कर पाएंगे। जींस पैंट पहन के ड्राइव करो। दिस व्हीकल व्हील बेस इज बिग, सो टर्निंग रेडियस आल्सो बिग। व्हेन यू आर टर्निंग बी केयरफुल, एल्स देयर मे बी अ चांसेस यू मे फेल डाउन। हिमालयन का डिस्प्लेसमेंट 411 cc, इनका कॉम्पिटेटर ज़्यादा नहीं है, मतलब KTM 390 एडवेंचर, BMW 310 GS इनका क्लोजेस्ट है। हिमालयन का प्राइस का ऊपर ये वैल्यू फॉर द मनी। सिटी कम्यूट पे ये व्हीकल 32 माइलेज दे सकता है और हाईवे पे 40 का ऊपर माइलेज देते हैं। स्मॉल स्मॉल ड्रॉबैक्स विच आई हैव एड्रेस्ड, इट कैन बी फिक्स्ड आउट ऑफ द शोरूम। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू क्रूज फ्रॉम 90 to 100 रेंज एंड यू आर रेडी टू अफोर्ड दिस व्हीकल, दिस इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली एंड माइलेज व्हीकल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ये बाइक लेने का पहले तुम लोग एक बार टेस्ट ड्राइव करो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल पे एक बार इंक्वायरी करो, इनका बाद बाइंग डिसीजन लेते तो बेस्ट बाइंग डिसीजन हो सकता है। और एक वीडियो पे मैं मिलते, मेरा नाम किशोर कुमार, तुम लोग देख रहे हैं के कॉप्स हिंदी।